मॉर्फोलॉजी जो मैंने पढ़ाया था टिपेंडोसोमाज एम्बियंस का, उसके विषय में मैं पुनः बनाया उसको नोट करवा दे रहा हूँ। आप उसको नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक बना दीजिए। देखिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पूछा जाता है, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल श्योर एंड सर्टेन आता है लगभग हर साल, पीछे का सिलेबस उठा के आप देख सकते हो। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 15 नंबर क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो मैं पढ़ा चुका हूँ फिर एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ और उसको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप नोट्स पे लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने बताया था इसका से लीफ लाइट होता है, साइज साइज होता है 10 to 40 माइक्रॉन लेंथ में, कलर साइज होता है और 2.5 to 10 म्यू एम तक इसका म्यू होता है। म्यू इसका क्या होता है, विड्थ होता है, WIDTH, ठीक है। तो अभी हमारे लेक्चर को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको पूरी बातें एकदम स्पष्ट आईनी तरह साफ हो जाएंगी और मैं समझता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा ही लगेगा आपको। और लाइक को अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अभी तो लेक्चर थ्री आपका आज चल रहा है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, आप ऑनलाइन जितने लोगों को दे सकें अपनी बातों को हम बता सकें, आप जितने लोग को लिंक कर सकें वो आपके हित में होगा और हमारे हित में होगा ही, कि हम लोग जानेंगे भाई हम लोग का एक हम लोग बुस्टअप होंगे थोड़े, भाई बच्चे हमको लाइक कर अच्छा लग रहा है, ये बातें होती है। तो आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज डायरेडिक, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज डायरेडिक एंडोपैरासाइट, ये पहले बता चुके हैं। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बींग होता है, सेकेंडरी होस्ट जो होता है ट्रिपैनोसोमा का, सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो उसी से फ्लाई होता है, ग्लोसिना पाल्पिस, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख रहे हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आप अगर देखो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में तो सिर्फ इसका इलांगेटेड लीफ टाइप होता है, थोड़ा जिग जैग होता है, जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा अंडुलेटिंग टाइप का, ठीक है ना। इलांगेटेड होगा, लीफ लाइक होगा, दोनों एंड पे नैरो होगा, मिडिल रीजन में मोटा होगा और उसी से निकला हुआ क्या होता है, उसी उसी अंदर से निकला हुआ फ्लैजिलम, ठीक है ना। तो ये सेल लीफ लाइक हो गया, साइज 10 to 40 माइक्रॉन हो गया और 2.5 to 10 में जो है विड्थ होता है। मैं आपको कल फिगर बना के दिखाया था, एक बार पुनः दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए हल्का सा इसको हमको लिखाना है। देखिए था यही था, मैंने आपको बना के दिखाया था, पहले इसको देख लेंगे। यहाँ पर एक काइटोप्लास्ट था, इसके पीछे बेसल ग्रैन्यूल था, ध्यान दीजिएगा ये पहले से बनाने का तभी समझ पाएंगे। ये जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, ये मैंने बताया था ये बाहर की तरफ, मैंने बताया था ये काइटोप्लास्ट था, प्लास्ट बेसल ग्रेन्यूल, ये फ्लैजिलम था, ये फ्लैजिलम था, ये एंडोलाइटिक मेम्ब्रेन है,
एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, ये रिजर्व एक्टोप्लाज्म है, ये एक्टोप्लाज्म है, दोनों को मिला देंगे ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये फ्री फ्लैजेलम है, ये मेम्ब्रेन जो इसको पेलिकल बोलते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ये जो है दोनों तरफ टेपर्ड होता है, नैरो होता है, एक तरफ पॉइंट होता है, एक तरफ नैरो होता है, ये बेसल ग्रैनुल होता है, ये काइंडोप्लास्ट है, बेसल ग्रैनुल से फ्लैजेलम निकला हुआ होता है, फ्लैजेलम में जुड़ा होता है पेलिकल से, उसको एंडोथेलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये देखो दिखा हुआ फ्लैजेलम ही एंडोथेलियल मेम्ब्रेन बनाता है, साइटोप्लाज्म इसका पूरी बॉडी जो है पेलिकल द्वारा कवर्ड होती है, बॉडी किसके द्वारा, पेलिकल के द्वारा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म जेल के द्वारा जेल होता है, जेल फार्म में, जेल मतलब गाढ़ा, एक्टोप्लाज्म किस फार्म में होता है, जेल फार्म में, और एंडोप्लाज्म होता है वो सॉल्ट फार्म में होता है, जेल मतलब होता है गाढ़ा, सॉल्ट मतलब होता है डाइल्यूट, ठीक है। अब ज्यादा ध्यान दीजिए, मैं बता रहा था साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, सारे स्लाइड में जिसमें होता है एंडोप्लाज्म मतलब माइटोकांड्रिया का जो बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रिजर्व फूड मटेरियल्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब इसी में पाया, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म नहीं होंगे, कहाँ नहीं होंगे, एक्टोप्लाज्म नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप देखें ये होगी बातें, इसके अलावा जिसको बातें हैं ये फ्लैजेलम जो होता है एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, ये हमेशा फट ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है लेकिन चिपका रहता है, इसलिए इसको एंडोथेलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक साइड, एक साइड इसका ब्लंट होता है, नैरो होता है, होता है, एक साइड पॉइंटेड होता है, और जो है पॉइंटेड होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किसका, ट्रिपैनोसोमा का, क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी आपसे पूछी जाती है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं बोल रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में नोट बनाएंगे अच्छा सा फिगर वगैरह बना के, क्योंकि जब हमारी मुलाकात होगी तो नोट में फिगर देखूंगा आपका, जितना सुंदर फिगर बनाएंगे, जितना बढ़िया नोट आप लिख लेंगे वही परफेक्ट होगा। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं इसको बोल दे रहा हूँ आप लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ सुनिए, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर समवॉट इलोंगेटेड, somewhat elongated and zigzag form and in zigzag form, both ends are narrow But middle region is broad. Middle region is broad. One end is pointed and other end is blunt. One end is pointed and other end is blunt. Okay.
बॉडी इज कवर्ड बाय थिन इलास्टिक फर परमीएबल पेलिकिल विच इज प्रोटीनस इन नेचर एंड सिचुएटेड जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फुल स्टॉप। इन द बॉडी ऑफ ट्रिपैनोसोमा कोलाइडल फ्लूइड सबस्टेंस प्रेजेंट कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म फुल स्टॉप। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म फुल स्टॉप। एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट इन जेल फॉर व्हाइल इंडोप्लाज्म प्रेजेंट इन सॉल फॉर्म फुल स्टॉप। ऑर्गेनेल्स अंगिका All cell organelles present in endoplasm. Like Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, lysosomes, nucleolus, etc. Towards blunt end, a small
स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट टुवर्ड्स ब्लंट एंड, ए स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट कॉल्ड एज काइनेटोप्लास्ट। जस्ट बिहाइंड द काइनेटोप्लास्ट, जस्ट बिहाइंड द काइनेटोप्लास्ट बेसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट, बेसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट, बेसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट फ्रॉम विच फ्लैजिलम अराइजेस, फ्लैजिलम अराइजेस। If we cut the section of flagellum, if we cut the section of flagellum, then we will get, if we cut the section of flagellum, then we will get, we will get, flagellum is consists of, flagellum is consists of 9 peripheral fibers, 9 peripheral fibers and 2 central fibers, 9 peripheral fibers and 2 central fibers, 9 peripheral fibers and 2 central fibers, and 2 central fibers. Peripheral fibers are covered by outer sheath, peripheral fibers are covered by outer sheath, while central fibers are covered by, central fibers are covered by inner sheath, inner sheath. Full stop. Flagellum attached with pellicle, flagellum attached with pellicle and form undulating membrane, and form undulating membrane, and form undulating membrane, undulating membrane. From the pointed end, from the pointed end, flagellum becomes free, flagellum becomes free, flagellum becomes free. Full stop. Flagellum is responsible for locomotion, flagellum is responsible for locomotion, flagellum is responsible for locomotion, responsible for locomotion. Full stop. Elliptical or spherical nucleus, elliptical or spherical nucleus, elliptical, elliptical में तरबूजाकार, तरबूजा देखे हैं लंबा वाला ऐसे, ऐसे elliptical आर स्फेरिकल, स्फेरिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल आर
स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्म बट नॉट इन द मिडिल, फुल स्टॉप. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय आउटर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म फुल स्टॉप. इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ए स्मॉल स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोलस प्रेजेंट. फुल स्टॉप. सेवरल रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फुल स्टॉप. पैराचिन्ह क्या लिखेंगे? सेब. हो गया. इसके बाद आपको जो देखना है इसमें एक्शन मार्फॉलजी में जेनुअल ऐसे कई फार्म होते हैं. मैंने बताया आपको लाइफ साइकिल सब आपको मिलेंगे. वो समझ रहे हैं ना, लाइफ साइकिल मिलेंगे. जैसे लॉन्ग सिलेंडर फार्म है, शॉर्ट स्टम्पी फार्म है, क्रिथिडिया फार्म है, ये सब इसके फार्म हैं. कई लाइफ साइकिल में मिलते हैं आपको, ठीक है. और क्रिथिडिया फार्म है, शॉर्ट स्टम्पी फार्म है, और क्या लॉन्ग सिलेंडर फार्म, और एक इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ठीक. ये कई फार्म इसके होते हैं. ये फ्लैजेलेट पैरासाइट आपको बता चुके हैं पहले भी एक्शन मॉर्फोलॉजी में, तो अभी समझा रहे हैं आपको. अब इसके बाद मैंने आपको बताया था मैं लाइफ साइकिल नहीं भी लिख, मैंने आपको एक्शन मॉर्फोलॉजी पूरा लिखवा दिया, ठीक है. इसके बाद सेल साइज हो गया, और इसके बाद इसके फार्म होते हैं मैंने आपको बता दिया. रिबेनसोम फाउंड इन सेवरल फार्म, ये लिख दे रहे हैं आप, नीचे लिख दीजिएगा.
इन आप लिख लीजिए इन लाइफ साइकिल, आप लिख लीजिए इन लाइफ साइकिल ट्रिपैनोसोमा, इन लाइफ साइकिल ट्रिपैनोसोमा फाउंड इन, इन लाइफ साइकिल ट्रिपैनोसोमा फाउंड इन सेवरल पार्ट लाइक, जैसे लॉन्ग सिलेंडर फार्म, लॉन्ग सिलेंडर फार्म है, शॉर्ट स्टम की फार्म, शॉर्ट स्टम की फार्म, क्रिकेडिया फार्म, क्रिकेडिया फार्म, हो गया। और इन्फेक्टिव स्टेज, और इन्फेक्टिव स्टेज चार फार्म में लाइफ साइकिल में पाया जाता है, ठीक है। चार फार्म, लॉन्ग शॉर्ट स्टम, लॉन्ग सिलेंडर फार्म हो गया, ऐसा लिख लीजिए नीचे, लॉन्ग सिलेंडर फार्म, शॉर्ट स्टम की फार्म, क्रिफिडिया फार्म, सॉरी क्रिफिडिया फार्म, इन्फेक्टिव स्टेज, हो गया ना। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक। अब मैं आपको वी आर लेक्चर थोड़ा लेट हो गया था, नहीं हो पा रहा था लोड, इसलिए इसको आज हम करेंगे। आपको दूसरा देखना है, अब आपको ये पढ़ना है, वो है लाइफ साइकिल, यही पढ़ना है आपको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, मोस्ट जो मैं बताता चलूँ वो एग्जाम में आता है, आप हल कर लीजिए, मोस्ट आईएनटी है इसमें से। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्या आता है लॉन्ग क्वेश्चन, हर साल लगभग हो गया लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो लाइफ साइकिल आपको कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं ब्लैक बोर्ड पहले बना के, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो मैं पहले ब्लैक बोर्ड क्लियर बना लूँगा, उसके बाद अपलोड उसमें जो है वीडियो करूँगा, ताकि वो फिगर आप देख सकें, समझा देंगे, फिर उसको लिखा भी देंगे, एकदम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लिखा रहा हूँ, ऐसे पढ़ाते हूँ लिखाते हूँ, ऐसे समझ लीजिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत आती है तो आप कल कर लीजिए, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम आई थी, मैंने उनको बताया बताइए, तो आप देखो अच्छा पढ़ते रहेंगे आप। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन पहले अगर एकदम फुल फॉर्म 40-45 मिनट का लेक्चर पढ़ ले, समझ रहे हैं, तो कल भी 50 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन मैं उसको फिगर पहले बना दूंगा, तो 20 मिनट आप बचा लेंगे, तो 30-40 मिनट मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, और परसों लिखवा दूँगा, पर एक दिन में लिखा नहीं पाएगा, तो 2 दिन लगेगा लिखने में, तो लिखा देंगे आपका भी। ये आपको वो चल सिलेबस चल रहा है, क्वालिटी के साथ सिलेबस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सब सिस्टमेटिक होता जाएगा। पेशेंस के साथ पढ़िए, हम आपके साथ हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे, और ये मेहनत आपको काम लाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर में जो जो रिजल्ट आपने बना लिया वही सेकेंड ईयर नंबर आपको मिलेगा। सेकेंड ईयर में आप प्रमोट तो हो गए हैं, लेकिन नंबर वो मिलेगा इस थर्ड ईयर पाए, इस थर्ड ईयर आप 74% पा गए, तो आपको BSc सेकेंड ईयर में 74% नहीं मिलेगा, 1% बढ़ा के मिलेगा। अगर आप 82% पा गए तो आपको 83% सेकेंड ईयर मिलेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो थर्ड ईयर में इतना अच्छा मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, और मैं गारंटी लेता हूँ पूरा फुल सिलेबस कवर करूँगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक नंबर क्वेश्चन पूरा लिखवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और सेकेंड ईयर में अगर पढ़े होंगे आप तो जानते ही होंगे, सब लिखवा के क्वेश्चन हल करा के सब पीछे थर्ड ईयर में भी करते हैं, थर्ड ईयर पढ़ के निकल जाए पास होके, बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। आप लोग को भी मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। तो आपका लाइफ साइकिल कल मैं शुरू करूँगा,
आप इसको लिख लीजिएगा, नोट बढ़िया काफी चौड़ी से बनाइएगा, पतली कापी ना बनाए क्योंकि उसमें फिगर नहीं बना पाएंगे आप, ठीक है। तो चौड़ी कापी हो थोड़ा, समझ आए ना, तो उसको देखिए और अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। कल मैं लाइफ साइकिल आप पढ़ाऊँगा, ठीक, पढ़ते रहिए और सबको जितने भी हो उनको लिंक भेजते रहिए, भाई आप पढ़िए देख लीजिए। देखने का तो पैसा मिलता नहीं है, बोलिए देखने का पैसा लगता है नहीं, आप दो दिन तीन दिन चार दिन ट्रैवल करते हुए भेज रहा हूँ, यूट्यूब चैनल भेज रहा हूँ, जब लिंक भेजूंगा जब केवल वेबसाइट पर जाएगा तब केवल वही पैसे देखे पड़े मन वही पढ़ पाएंगे जो पेमेंट कैश किए रहे, तभी मेरा पैसा आपसे ये नहीं आ रहा है, तभी आप तो दो चार दिन पढ़े सकते हो। देखो लोगों को बताओ, अच्छा लगेगा आपको, हम सबको।